नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सम्राट यूट्यूब चैनल। मैं सम्राट जूसस आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कैसे यूट्यूब चैनल फिर फेसबुक पेज फिर फेसबुक वीडियो के लिए थंबनेल बनाता हूँ। बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, आप भी सिर्फ 2 मिनट में बना पाओगे कैसे एक अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं ऑब्वियसली कंप्यूटर में मेरा जो एडिटिंग का काम करता हूँ, फोटोशॉप का काम भी कंप्यूटर में करता हूँ, और जो फोटोशॉप यूज़ करते फ्रेंड वो है एडोब फोटोशॉप CC9। ये बहुत ही आसान है, जो कंप्यूटर में अभी फिलहाल कर रहा है अच्छा खासा नहीं बनाना है तो सीख सकते। फिलहाल तो मोबाइल में नहीं देखा रहा, मोबाइल में बाद में देखाऊंगा। तो मैं वो जो एडोब फोटोशॉप CC9 ओपन कर लिया, तो इधर में मैं कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करना, तो पहले तो मैं एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सीखने का भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओपन करने के बाद न्यू में चला जाना। मैं जैसे जैसे कर ऐसे बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो फ्रेंड, इधर से मैं एक HD थंबनेल यूज़ करता हूँ। तो HD थंबनेल के लिए ज़्यादातर 1920x1080 लगाने अच्छा है। तो इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो इधर में मेरा कोई एक फेवरेट कलर लगा देते, फिर यहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर लेते। तो मेरा जो पेज है ओपन हो चुका है। फिर इधर में कोई भी एक फ़ोटो लगा देते। मैं यही वीडियो का जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो थंबनेल मैं लगाऊंगा वही थंबनेल मैं इधर में बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप तो पहले ही देख चुके हैं मैं कैसे क्या कौन सा थंबनेल बनाया। तो इधर से मैं एक फ़ोटो चूज़ करना पड़ेगा, जो फ़ोटो ऑलरेडी आप देख चुका है वही फ़ोटो मैं इधर से चूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये फ़ोटो लगा देते। तो पहले तो थोड़ा एडिट कर लेते हैं इसका, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे इसलिए। तो लेवल में चला जाते, थोड़ा सा ब्राइट दे देते, ज़्यादा ब्राइट हो जाए तो दिखने में अच्छा नहीं लगते। और फिर थोड़ा सा ग्रीन दे देते इधर से, फिर इसको थोड़ा सा रेड दे दूंगा तो ग्रीन हट जाएगा, थोड़ा रेड जैसे आ जाएगा, बस हो गया। अब ये फोटो है फ्रेंड, अब देखना थोड़ा फॉलो करना, ये बहुत ही आसानी से आप भी कर पाओगे। मैं इसका ऊपर बैठा दूंगा, ये पूरा HD हो रहा है फ्रेंड। और देख सकते हो फ्रेंड, इसके लिए मैं अलग अलग से भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इसे थोड़ा डिफरेंस करके बताते हैं आपको। तो इधर में क्लिक कर देना। अरे फ्रेंड, मेरा जो यह है अब देख चुका है कैसे मैं पूरा के पूरा जो एडिटर है, एडिटर भी पूरा आना चाहिए। तो सिंपली मैं इधर से स्क्रीन शॉट ले लेते। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको इसका स्टार्ट बटन, फिर आपको इधर में प्रिंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एरोप्लेन मोड का पास में ही रहते प्रिंट का ऑप्शन, तो कैप्चर कर लिया। अभी मैं जो स्क्रीन शॉट ले लिया है फ्रेंड, और स्क्रीन शॉट ओपन कर लूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली हो गया, तो इधर से मैं आ गया मेरा स्क्रीनशॉट सामने। तो इधर में मैं कुछ क्या आप जैसे देखा मैं कुछ क्या लिखा हुआ था, मैं कैसे थंबनेल लगाता हूँ। तो ये इधर से कॉपी कर लेते सिंपली। कॉपी करने के बाद इधर मैं जाकर फेस करूँगा, लेकिन उसके पहले इधर में थोड़ा ब्लैक कर देते। तो इधर में जरा बैकग्राउंड चेंज कर देते तो जो कलर है वो अच्छा दिखेगा, दिखने में जरा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं सफ़ेद, ये आसानी से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ब्लैक कर देते। देख सकते हैं ब्लैक हो गया। अभी जो मैं कॉपी किया था आप लिख सकते हैं, या फिर कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके इधर से आसानी से लिख सकते हैं। मैं ज़्यादातर फ्रेंड आपको बता देते, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करता हूँ,
तो इसमें बोलने का साथ साथ इधर में रिकॉर्ड हो जाते तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ते, थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता मेरे लिए। तो इधर में मैं जो कॉपी किया है तो इधर में सिंपली पेस्ट कर देते। तो देख सकते फ्रेंड इधर में मैं पेस्ट कर दिया हूँ। तो इधर थंबनेल है फ्रेंड, इसको मैं इंग्लिश में कर देते। थंबनेल जो हिंदी में लिखा हुआ है जरा इंग्लिश में कर देते तो अच्छा दिखेगा। तो ये तो बड़ा हाथ हाथ का ले लेते थंबनेल। अब देख सकते फ्रेंड थंबनेल लिखा हुआ आ गया, तो इसको और भी जरा छोटा कर लेते बस। लिखा हो थोड़ा सा फ्रेंड, मैं जो बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ, जो आपका जो थंबनेल होगा वो थंबनेल ज़्यादा घिजी विजी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, सिंपल सा सादा सा देखना चाहिए जो आदमी आसानी से समझ पाए, तो उसके ऊपर क्लिक करने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको ही सजेस्ट करूँगा जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रखे, आपका जितना भी क्लियर रखोगे आसान शब्द में आपका जो व्यूजर है उसका समझा पाओ तो ही सबसे बेटर रहेगा। तो इधर से मैं इसका कलर चेंज कर लेते। देख सकते हो फ्रेंड इधर में उसका कलर चेंज कर लिया और ऑटोमेटिकली इधर में आ गया मैं जैसे थंबनेल बनाता हूँ। हो गया ना थंबनेल। अभी क्या करते हैं फ्रेंड, इसको पीएनजी में फॉर्मेट करना चाहिए तो और भी ज़्यादा क्लियर देखेगा। ऐसे तो आप सेव करके भी रख सकते हैं, फिर दूसरा कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको फाइल में आ जाना, फिर एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना, फिर एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में क्लिक कर देना। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा जो थंबनेल है बांध के रेडी हो गया है, अभी एक्सपोर्ट का ऑल करने का टाइम है। तो इधर में मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप, और इधर में जो फाइल नेम है वो जरा सर्च कर लेते, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर सेव कर लेते। तो बन गया ना फ्रेंड मेरा थंबनेल। अब देख सकते इधर में मेरा जो थंबनेल है वो बन चुका है। तो इस तरह फ्रेंड बहुत आसानी से आप थंबनेल बना सकते हो, सिर्फ 2 मिनट लगते। तो वही मैं जैसे बताया, एक बार ध्यान रखना, इतना ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा साफ सुथरा रखना और बहुत आसान भाषा से कैसे आपका व्यूज़र को समझा सकते वो बात ध्यान में रखना, तो वही काफ़ी है। तो उम्मीद रखते फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।